ठीक है, फर्स्ट आपका इंडोल एल्केलॉइड, इंडोल एल्केलॉइड्स, ड्रग के नीचे लिखना एर्गट, ERGOT, एर्गट, और केमिकल में क्या लिखोगे, एर्गोटामाइन, ERGOTAMINE, एर्गोटामाइन। एर्गट क्या होता है आपका, आप लोगों को पता होगा, धान सबने देखी होगी है ना, तो उसमें क्या होता है कि धान हो गई, आप जैसे गेहूं वगैरह लगाते हो, तो उसमें जो फली सी आती है, यानी कि जब वो क्या होता है डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो उसमें ना कुछ फंगस टाइप के लग जाती है, ब्लैक सा पड़ जाता है जहाँ पे से फली शुरू होती है उसकी, जहाँ से बीज आना शुरू होते हैं, तो उस पर जो फंगस थी जो लगती है उसको क्या कहते हैं, एर्गट कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका ट्रोपेन एल्केलॉइड, TROPANE, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स, ड्रग में लिखना धतूरा, DATURA, धतूरा, कॉमा करके बेलाडोना, BELLBELLADONNA, बेला डोना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखना एट्रोपिन, ATROPINE, एट्रोपिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका क्विनोलिन एल्केलॉइड्स, QUINOLINE, क्विनोलिन एल्केलॉइड। ड्रग में लिखना सिंकोना, CINCHONA, सिंकोना। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखना क्विनीन, QUININE, क्विनीन लिखा। नेक्स्ट लिखो पायरीडीन, PYRIDINE, पायरीडीन एल्केलॉइड। ब्रैकेट में लिखना इंडियन टोबैको, इंडियन टोबैको, TOBACO। इसको आप लोबेलिया भी कह सकते हो, ठीक है, टोबैको को लोबेलिया भी कहा जाता है, LOBELIA, लोबेलिया। इसमें लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लोबेलिन, LOBELINE। लोबेलिया जो है ना, आप इंडियन जो टोबैको होता है, ठीक है, टोबैको को आप जो हिंदी में लोबेलिया भी कहते हो, ठीक है, ये आपका ड्रग में ही है अभी। अब मैं आपको इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता रही हूँ, उसमें लिखो आगे लोबेलिन, LOBELINE, लोबेलिन। नेक्स्ट लिखो प्यूरीन एल्केलॉइड्स, PURINE, प्यूरीन एल्केलॉइड्स।
ड्रग में लिखना कॉफी, कॉफी या फिर टी, चाय पत्ती होती है ना उसी की बात हो रही है, ठीक है। टी ब्रैकेट में लिखना उसके, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कैफीन, कैफीन लिखा, कॉमा करके थियोब्रोमिन, टी एच ई ओ बी आर ओ एम आई एन ई, थियो ब्रोमीन। नेक्स्ट लिखो इमिडाजोल एल्केलॉइड्स, IMIDAZOLE, इमिडाजोल एल्केलॉइड्स। ड्रग में लिखना पिलो कार्पस, PILOCARPUS, पिलो कार्पस। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखोगे पिलो कार्पिन। PILOCARPINE, पिलो कार्पिन। लिखा। नेक्स्ट लिखो एमिनो एल्किलॉइड, एमिनो एल्किलॉइड। इसमें लिखना एफेड्रा, EPHEDRA, एफेड्रा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एफेड्रीन, EPHEDRINE, इफिड्रीन। नेक्स्ट लिखना आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड, आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड्स, ISOQUINOLINE, क्विनोलिन एल्केलॉइड। इसका एग्जाम्पल है आपका ओपियम। OPIUM, ओपियम। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखना नारकोटीन, नारकोटीन, NARCOTINE, नारकोटीन। लिखा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पायरोल एंड पायरोलिडीन एल्केलॉइड, PYROL, पायरोल एंड पायरोलिडीन एल्केलॉइड, PYROLIDINE, लिडीन एल्केलॉइड। इसमें भी ड्रग आपकी टोबैको आएगी, TOBACO, टोबैको। कॉन्स्टिट्यूएंट लिखना है इसका निकोटीन, NICOTINE, निकोटीन। हाँ वही, ठीक है, निकोटीन।
ये सारी आपके वैसे मेडिसिन्स में यूज़ होती है जो मैंने ड्रग लिखाई है आपको, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज़ करोगे तो ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है, ठीक है। कितने पॉइंट हुए? नाइन हुए ना, ठीक है। अब लिखो स्टेरॉयडल एल्केलॉइड, STEROIDAL, स्टेरॉयडल एल्केलॉइड्स। ड्रग का नाम है अश्वगंधा, ASHWAGANDHA, अश्वगंधा। लिखा कॉमा करके सेकंड ड्रग है कुरुची, KURCHI। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लिखना विथेनिन, WITHANINA। कॉमा करके कोनेशिन, CONESSINE। लिखा नेक्स्ट पॉइंट, लिखो क्विनाजोलिन एल्केलॉइड, QUINAZOLINE, क्विनाजोलिन एल्केलॉइड्स। ड्रग में लिखना वशाका, WASAKA, वशाका। डब्ल्यू की जगह आप वी भी लिख सकते हो, ठीक है, VASAKA, वशाका। कॉन्स्टिट्यूएंट में लिखना वैसिसिन, VASICINE। लिखा ये आपके क्या थे, क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्केलॉइड ऑन द बेसिक ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। अब जो मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन कराया है ना कहीं इन्हीं में से कोई कोई क्या है आपके, कुछ आपके ट्रू एल्केलॉइड्स में आते हैं, कुछ आपके प्रोटो एल्केलॉइड्स में आते हैं, ठीक है, कुछ आपके शिडो एल्केलॉइड्स में आते हैं। वो तो केवल आपके किसके बेस पे था, ऑरिजिन के बेस पे था, यानी कि जो आपके बेसिकली जो टाइप होते हैं किसमें, एल्केलॉइड के। और जो बाकी मैंने लिखा है वो आपको किसके बेस पे है, रिंग स्ट्रक्चर के बेस पे। इनके आपको स्ट्रक्चर भी याद करने होंगे, ठीक है ना। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको इसके टाइप्स लिख करके साथ में इसमें आगे आपको इसके स्ट्रक्चर बनाने होंगे, वो मैं नोट्स दूँगी तो वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। अब है इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। फर्स्ट आपका ड्रैगन डॉर फ्री एजेंट, DRAGEN DRAGEN DORFS, ड्रैगन डॉर्फ रिएजेंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मिथ, BISMUTH, बिस्मिथ आयोडाइड। यानी कि जो आपका ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है वो कैसे बनता है, पोटेशियम बिस्मिथ आयोडाइड को क्या होता है, मिक्स करके इसका सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ में, ठीक है। फिर इसे क्या कहते हैं, हम ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट कहते हैं। अब हमने क्या करना है, सपोज़ हमारे पास कोई एल्केलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, मैंने आपको अभी इतने सारे नाम लिखाए हैं आगे, है ना,
तो ये सारी आपकी क्या है, एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग्स होती है। अब सपोज करो इसमें से हमने अश्वगंधा ले ली है, ठीक है, हमें भले ही पता है कि ये एल्कलॉइड कैटेगरी की ड्रग है, पर फिर भी हमें टेस्ट तो करना है ना कंफर्म करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर हमने अश्वगंधा ड्रग का पाउडर ले लिया, थोड़ा सा लेना है, ठीक है, 1 ग्राम ले लो या 1 ग्राम से कम ले लो, उसमें हम क्या कर देंगे, अपना जो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है उसको उसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हो, चाहे तो आप अपने ड्रग का क्या होता है, जो आपका ड्रग है उसका आप एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, यानी कि उसको कुछ देर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पानी में डाल करके छोड़ देना, फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है जो पानी में आता है, जैसे मैंने आपको बताया था आप चाय बनाते हो, चाय पत्ती डालते हो, तो चाय पत्ती में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती है वो आपकी चाय में आ जाती है। आप फर्दर क्या करते हो, चाय को छानते हो छन्नी से, तो जो चीज़ नीचे की जो चाय आपकी आई है आपने उसमें क्या करना है, टेस्ट करना है। तो उस तरह से आप क्या करोगे, अश्वगंधा जो पाउडर है या फिर आपका जो अश्वगंधा का जो एक्सट्रैक्ट आया है उसमें आप क्या करोगे, कुछ ड्रॉप आप क्या करोगे ड्रैगन ड्रॉप की डाल दोगे, तो वो क्या करता है रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट आपको देगा, यानी कि उसमें क्या करेगा, वो प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा उस ड्रग को, और कौन सा कलर देगा, रेडिश ब्राउन कलर का। इट मीन्स कि आपकी जो ड्रग अश्वगंधा है उसमें क्या है, एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें लिखो रिएजेंट प्लस REAGENT, रिएजेंट प्लस पाउडर्ड ड्रग, इस तरीके से लिखो, दिख रहा है ना, रिएजेंट प्लस पाउडर ड्रग इक्वल टू रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। लिखा, सेकंड है आपका रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, मैंने शॉर्ट में उसे PPT लिखा है, आप पूरा लिखना प्रिसिपिटेट, ठीक है, प्रिसिपिटेट को आप शॉर्ट में PPT भी लिख सकते हो। सेकंड आपका जो टेस्ट आ रहा वो आ रहा आपका वैगिनर रिएजेंट, WAGNERS, वैगिनार्स रिएजेंट। इसमें ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड। वैसे तो आपकी जो रिएजेंट है अगर आप इसको ऑर्डर करते हो या लैब में, आपको ऑटोमेटिक ये बने बने मिलते हैं, ठीक है ना, बट कुछ केस क्या होता है कि लैब में अगर ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको जो आगे केमिकल के नाम लिखा रही हूँ इसमें, ये इससे भी हम क्या करते हैं, इनको बनाते हैं, बेसिकली इन्हीं से ही क्या होते हैं हमारे ये रिएजेंट बनते हैं, इसलिए मैंने आपको आगे से लिखा दिया है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड। इसमें लिखो रिएजेंट प्लस पाउडर ड्रग, यानी कि हमने क्या करना है, पाउडर ड्रग लेनी है, उसमें हमने रिएजेंट को ऐड करना है फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है, आप चाहे तो रिएजेंट में आगे से फ्यू ड्रॉप्स भी लिख सकते हो, डैश करके लिखो अब, इसका भी ये सेम कलर दे रहा है रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट। ठीक है, या फिर डार्क ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट देगा, रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट और डार्क ब्राउन प्रिसिपिटेट। अब नेक्स्ट आपका मेयर्स रिएजेंट, MAYERS, मेयर्स रिएजेंट, ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशन ऑफ
पोटेशियम, मर्क्यूरिक आयोडाइड। सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। नेक्स्ट लाइन में लिखना रिएजेंट प्लस पाउडर ड्रग, एरो करके क्रीम कलर प्रेसिपिटेट, यानी कि आप जब अपनी पाउडर ड्रग में या फिर आप एक्सट्रैक्ट में क्या करोगे, हाँ कर रही हूँ, तो रिएजेंट को ऐड करोगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्रीम कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। रिएजेंट प्लस पाउडर ड्रग, एरो करके लिखना क्रीम कलर प्रेसिपिटेट, वहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपको, क्रीम कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। इट मीन्स कि आपकी उस ड्रग में क्या है, एल्कलॉइड प्रेजेंट है। फोर्थ है इसके लिए टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, HAGERS, हैगर्स टेस्ट। ब्रैकेट में लिखना सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट लाइन में लिखना रिएजेंट प्लस पाउडर ड्रग, रिएजेंट प्लस पाउडर ड्रग, एरो करके येलो प्रेसिपिटेट, यानी कि जब आप क्या कर रहे हो किसी भी एल्किलॉइड कैटेगरी की ड्रग में आप क्या करते हो, हैगर्स रिएजेंट यूज़ करते हो, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उस ड्रग में आपको येलो कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, जिसका मतलब कि आपकी उस ड्रग में क्या है, एल्किलॉइड प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे वो येलो कलर फॉर्म नहीं करता है, इट मीन्स वो ड्रग एल्किलॉइड कैटेगरी की है ही नहीं, ठीक है। ये आपके क्या थे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थे एल्किलॉइड्स के, ठीक है। अब बाकी इसके थेरापेटिक इफेक्ट और जो आइसोलेशन है वो आपको मैं कल करवाऊंगी, ठीक है।